वित्त वर्ष 2021-22 में फलों, सब्जियों एवं शहद की उपज बढ़ने से देश का बागवानी उत्पादन 2.1% बढ़कर 34.16 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बागवानी फसलों की उपज आंकड़े देते हुए ये संभावना जताई गई। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के रकबे एवं उपज का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 34.16 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले की तुलना में करीब 70.3 लाख टन अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन 33.46 करोड़ टन था। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान में वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी उत्पादन 33.35 करोड़ टन रहने की संभावना जताई गई थी। वहीं बागवानी फसलों का रकबा मामूली बढ़त के साथ 2.77 करोड़ हेक्टेयर हो गया है, जो पहले 2.74 करोड़ हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय ने कहा, फलों, सब्जियां एवं शहद के उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ मसालों, फूलों, सुगंधित एवं चिकित्सकीय गुणों वाले पौधों की उपज एक साल पहले की तुलना में बढ़ी है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फलों का उत्पादन 10.24 करोड़ टन से बढ़कर 10.71 करोड़ टन हो जाने और सब्जियों की उपज 20.04 करोड़ टन से बढ़कर 20.46 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। सब्जियों में प्याज की उपज एक साल पहले के 2.66 करोड़ टन से बढ़कर 3.17 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन आलू और टमाटर की उपज कम रहने का अनुमान है। प्याज की उपज के 5.61 करोड़ टन से गिरकर 5.35 करोड़ टन पर आ जाने की आशंका जताई गई है। वहीं टमाटर की पैदावार 2.03 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 2.11 करोड़ टन रही थी। वहीं कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि सेब और पपीते के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में पपीते की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। वहीं आम और केला के उत्पादन में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। इस बार इसके प्रोडक्शन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आम की पैदावार में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं मौसम्बी के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की बात की गई है। सरकार किसानों को पारंपरिक फसलों की खेती की जगह बागवानी फसलों की खेती करने को लेकर प्रोत्साहित कर रही है। बाग लगाने में भी किसान की मदद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, शिवी।